लंबे वक्त के बाद मलाइका शरावत बॉलीवुड में जल्द ही वापसी करती हुई दिख सकती हैं। कुछ समय पहले ये खबर सामने आई थी कि डायरेक्टर प्रीतिश नंदी के साथ वो एक वेब सीरीज करने वाली हैं, जिसमें वह एक्टर ईशान खट्टर की मां के रोल में दिख सकती हैं। लेकिन अब लास्ट मोमेंट पर उन्होंने इस सीरीज को करने से मना कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। नमस्कार, मैं उत्सव तनवीर कौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड केसरी। 21 साल पहले फिल्म ख्वाहिश से हिंदी सिनेमा में कदम रखने वाली मलाइका शरावत अब सुर्खियों में हैं और उन्हें कौन नहीं जानता। इमरान हाशमी के साथ फिल्म मर्डर में इंटीमेट सीन्स करने वाली मलाइका शरावत अब दोबारा कमबैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फिल्म मर्डर करने के बाद मलाइका रातों रात फेमस हो गई थी, क्योंकि उन्होंने काफी इंटीमेट सीन्स उसमें किए थे। हाल ही में उन्होंने निर्देशक प्रीतिश नंदी की वेब सीरीज द रॉयल्स को साइन किया है, जिसमें वह ईशान खट्टर के साथ नजर आने वाली हैं। लेकिन अब खबर आ रही है कि उन्होंने इस वेब सीरीज के लिए मना कर दिया और वो अब इस वेब सीरीज से बाहर हो गई है, जिसकी वजह सीरीज में मां का रोल प्ले करना बताया जा रहा है। आपको बता दें कि इमरान हाशमी के साथ अभी कुछ दिन पहले मलाइका शरावत स्पॉट भी हुई थी। उन दोनों को साथ देखकर लोग काफी हैरान रह गए थे। तब से माना जा रहा है कि मलाइका अब एक्ट्रेस के रूप में दोबारा सिनेमा में दिख सकती है। ई टाइम्स की खबर के अनुसार उन्होंने प्रीतिश नंदी की वेब सीरीज द रॉयल्स से कमबैक करने का जो है मन बना लिया है, जिसमें ईशान खट्टर, भूमि पांडेकर जैसे कलाकार भी मौजूद होंगे। इतने सालों के बाद काम मिलने के बाद मलाइका ने इस फिल्म से अब इनकार कर दिया है, क्योंकि उन्हें इस सीरीज में ईशान खट्टर की माँ का किरदार निभाने को मिला था, तो उन्होंने माँ का किरदार निभाने से मना कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक द रॉयल्स में उनका किरदार उतना दमदार भी नहीं था, जिसकी उनको चाहत थी वो रोल उनको नहीं दिया गया। इसके साथ ही वही माँ की भूमिका को निभाकर वो अपना करेक्टर डाउन नहीं करना चाहती थी, वही कारण है जो उन्होंने इस प्रोजेक्ट से अपने हाथों को पीछे कर लिया। आपको बता दें, हरियाणा की इस बेकी ने फिल्मों के लिए अपना नाम बदला और रीमा से मलाइका रख लिया। मलाइका के बारे में ये भी कहा जाता है कि बॉलीवुड डेब्यू से पहले ही मलाइका ने शादी कर ली थी। मलाइका ने लव मैरिज की थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एयर होस्टेस का भी काम किया था, जहाँ उनकी मुलाकात पायलट करण सिंह से भी हुई थी। करण से दोस्ती हुई और फिर प्यार हो गया, और फिर शादी में ये दोस्ती बदल गई और प्यार भी फिर शादी में बदल गया। दोनों की ये शादी लंबे समय तक नहीं चली। एक साल बाद ही मलाइका और करण के रिश्ते में दरारें आनी शुरू हो गई, जिसके बाद दोनों ने तलाक ले लिया। हालांकि मलाइका कभी भी खुद इस बात का जिक्र नहीं करती है, लेकिन उस वक्त ये खबरें अखबारों में बहुत छपी थी। उन्होंने इस तरह के सवालों का कभी कोई जवाब नहीं दिया और खुद को हमेशा सिंगल ही बताया। मलाइका ने एक इंटरव्यू में अमेरिका जाने की भी बात की थी। उन्होंने बताया कि हमेशा से ही उनका रवैया बैड गर्ल वाला रहा है। अमेरिका जाते समय भी उनका बर्ताव ऐसा ही था जैसे बॉलीवुड में काम करते वक्त है। आपको बता दें, मलाइका शरावत ने काफी हिट फिल्में भी दी है और आज भी मलाइका शरावत को लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं वीडियो के बारे, और ऐसे ही और वीडियोज के लिए फॉलो करें बॉलीवुड केसरी को।